कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर कई बार ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं जो गेम खेलने के साथ साथ अपनी बातों से भी दर्शकों को एंटरटेन करते हैं। केबीसी 14 के अपकमिंग एपिसोड में भी एक ऐसा ही कंटेस्टेंट पहुंच गया है जिसने अपनी बातों और हरकतों से शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को भी हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि कंटेस्टेंट ने केबीसी के मंच पर उनकी ही नकल उतार दी। कौन बनेगा करोड़पति 14 के मेकर्स ने शो के अपकमिंग एपिसोड का वीडियो शेयर किया है, जिसमें गुजरात से आए विनोद संगाठिया के नाम के कंटेस्टेंट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर खुशी से झूमते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हॉट सीट पर बैठने के बाद भी कंटेस्टेंट की खुशी शांत नहीं हो रही है और वो कुछ देर तक सेलिब्रेट करते रहते हैं। इस बीच बिग बी कहते हैं कि हॉट सीट पर बैठकर आप बेहद खुश हैं। होस्ट की बात सुनकर विनोद संगाठिया कहते हैं कि ये सच में बहुत खुश हैं। बिग बी आगे कहते हैं कि आपकी पत्नी जी भी बहुत खुश लग रही हैं, जिसे सुनकर कंटेस्टेंट शर्माते हुए कहते हैं अरे सर उसकी बात मत पूछिए। कंटेस्टेंट को वो बधाई देते हैं। अमिताभ बच्चन कुछ कहने की कोशिश करते हैं लेकिन विनोद संगाठिया उन्हें बोलने का मौका नहीं देते। बिग बी कहते हैं कि आप कुर्सी पे बैठे रहिए। इसके जवाब में कंटेस्टेंट ने कहा कि वो कहीं नहीं जाने वाले। अमिताभ बच्चन की नकल उतारते हुए उन्होंने चिल्लाकर आगे कहा आप शो के अंत में कहते हैं 7.5 करोड़ का प्रश्न है लेकिन जाओ मैं यहीं बैठने वाला हूँ। केबीसी 14 से विनोद संगाठिया का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो बिग बी से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मराठी में आ गया केबीसी, बंगाली में आ गया केबीसी, तो अब गुजराती में केबीसी लाइए ना। इसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा कि आप ये बात केबीसी के मंच पर कह रहे हैं जिसे सोनी टीवी भी सुन रहा है, आपकी रिक्वेस्ट सुन ली गई है, हो सकता हो कि पूरी भी हो जाए। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।